गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक तो गुड न्यूज़ आप लोगों को मिली गई होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि DSSS भी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर कब निकालेगा। एंड जो PGTs वाले थे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हमारा एग्ज़ाम अब होने वाला है अगस्त के अंदर। सो ये कन्फ्यूजन DSSS ने आपकी दूर कर दी है कि कोई भी एग्ज़ाम PGT का या TGT का अगस्त में नहीं होने वाला है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि या तो आपके एग्ज़ाम्स अगस्त एंड में होंगे PGTs वालों के, या वो सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे। तो आज हमारा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है दोनों नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए निकला है। एंड ये जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का है फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सेक्शन कोर्ट्स एंड पर्सनल असिस्टेंट का, इनके जो स्किल टेस्ट है इनकी डेट्स निकली हैं। एंड 4 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक TGT, PGT और NTT वाले एकदम चैन से होके बैठ जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। अगर अभी भी आप ज़ीरो प्रिपरेशन पे हैं, स्पेशली जो TGT वाले हैं, अभी भी आप बिगिनिंग कर सकते हैं, अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। एंड जो TGTs वाले हैं आप लोग भी बेफिक्र होके अपनी प्रिपरेशन करिए, जो अपनी वीकनेस है उनको रिमूव करिए, कंप्लीट रिवीजन करिए अगर रिवीजन मोड में चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अब जो होंगे वो 8-9 सितंबर के बाद ही होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, पूरा अगस्त का महीना है, क्योंकि 1 सितंबर तक तो आपके यही एग्ज़ाम्स हैं। एंड देन आप लोगों के पास सितंबर के 3-4 दिन आप लोगों को और मिलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट कैलेंडर होगा उसमें आपकी PGTs और NTT वालों की डेट आएगी फॉर द एग्ज़ाम, और ये आपको 15-20 दिन के अंदर जनरली देखने को मिल जाएगा। आप मान के चलिए 8 या 10 अगस्त तक आप लोगों को PGT का एग्ज़ाम कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। एज जो DSSS भी होता है 20 से 25 दिन एटलीस्ट आपको पहले इन्फॉर्म करता है फॉर योर एग्ज़ाम डेट्स। तो अभी आप निश्चिंत होकर बैठिए और 8-10 तारीख का वेट करिए फॉर योर एग्ज़ाम डेट्स PGT और NTT वाले। और जो TGT वाले हैं आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं अगर आप लोगों को इतना अच्छा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम, अगर आप मान के चलिए 1 सितंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम हैं इन्हीं के, PA के और आपके सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के, तो अब 4 सितंबर के बाद अगर 8-9 सितंबर से लेके 28-29 सितंबर तक आप ये मान के चलिए कि पूरा ऑलमोस्ट सितंबर का महीना जो होगा NTT और PGT वालों के एग्ज़ाम में ही निकल जाएगा। क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स भी बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल हुए हैं PGT और NTT वाले, तो अब TGT के एग्ज़ाम्स जो होंगे अब जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ है 90% या हम कहें 100% कि अब ये एग्ज़ाम कैलेंडर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि TGT वालों के एग्ज़ाम, पहले मैं ये बोल रही थी कि 15 सितंबर के बाद होंगे, अब मैं ये बोल सकती हूँ कि यस आप लोगों के एग्ज़ाम जो होंगे 30 सितंबर के बाद, मतलब अक्टूबर के महीने में होंगे। यस, अक्टूबर के पूरा का पूरा महीना आप लोगों का TGT एग्ज़ाम के अंदर ही जाएगा। हो सकता है नवंबर के कुछ दिन भी TGT के एग्ज़ाम के में चले जाएँ, तो अभी भी आपके पास इनफ टाइम है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है TGTs वाले। आपके पास पूरा आधा महीना तो ऑलमोस्ट, मैं मालूम 12-13 दिन जुलाई के हैं, देन आपके पास पूरा अगस्त है, सितंबर है। अभी भी अगर आप लोग वेट कर रहे हैं, अभी भी अगर आप टेंशन में हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, अपनी जो सोए हुए ख्वाब होते हैं ना उनको आप लोग बिल्कुल जगा लीजिए, क्योंकि स्टिल आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स का सपना देखने का अभी भी टाइम है। आप उस सपने को देख भी सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं डेफिनेटली, इतने आपके 2-2.5 महीने के गैप में। आप मानिए कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम इतना लेट हो रहे हैं, बट येस, बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंटली स्टडीज़ करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ये बोल रहे हैं कि 2 दिन तो मन लगा के पढ़ते हैं फिर 4 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप थोड़ा सा सीरियस मोड में आ जाइए, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगले दिन 2.5 घंटे, फिर 3 घंटे, पर पढ़ना रेगुलर है। भले ही 6 घंटे से एक दिन 3 घंटे पढ़ें, पर ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर हम एक बार 3-4 दिन के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, फिर आगे पढ़ने का दिल ही नहीं करता है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, सबके साथ होता है। तो इसीलिए अपना फोकस जो है पूरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे लगाइए। पेपर 1 में बहुत अच्छा हार्डवर्क करिए, जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उन पे पहले फोकस करिए, उनको पूरा इतना पक्का कर लीजिए कि उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग एटलीस्ट अटैम्प करके आएँ। यू नो दैट कि DSSS के अंदर देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। आप लोगों को ये भी पता है कि हमें 30 से लेकर 35 सेकेंड्स तक मिलते हैं एक क्वेश्चन को अटैम्प करने के लिए। जब आपका एक सेक्शन खुलेगा, एक सेक्शन को आपको कंप्लीट करके या जितना भी छोड़ना है आप उसको सबमिट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने रीजनिंग का सेक्शन खोला है, तो रीजनिंग के अगर 20 में से आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो 15 क्वेश्चंस करने के बाद आप उसको सबमिट करेंगे, तब जाके आपका अगला सेक्शन, अगला हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स, तभी खुलेगा।
क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में तो ऐसा होता है कि जो जो क्वेश्चंस में डाउट होता है हम लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और एंड में हमारे पास जब टाइम बचते हैं हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। पर डी ट्रिपल एस वी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक सेक्शन खोला है उस सेक्शन के अगर आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको तभी की तभी अटेम्प्ट करके उसको सबमिट करना पड़ेगा, और एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया वो सेक्शन आप दोबारा नहीं खोल सकते हैं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इन तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट्स जो हैं आपके 60 नंबर या आपको 60 में से 55 भी दिला सकता है, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। अगर किसी को एक बार समझ आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। एंड आफ्टर दैट तभी आपको जीके और मैथ्स पे फोकस करना है। मैथ्स के टीचर्स तो मैथ्स बहुत अच्छा कर लेंगे होपफुली, बट जो बाकी के हैं मैं जनरली अपने जो कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं यही देख रही हूँ कि जीके में और मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एंड इंग्लिश के वोकैबुलरी में वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ आपको किस तरह से करना है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, आपको सेक्शंस में करते टाइम, क्वेश्चंस करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको एंड वाले सेक्शंस में बहुत जल्दी पहुंचना है। ऐसा नहीं करना है कि हम शुरू के क्वेश्चंस में, शुरू में 50-60 क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा दें कि हम एंड तक पहुंच ही ना पाएँ। तो इस चीज़ का बेसिकली आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पीड अपनी बढ़ा के रखनी है, और स्पीड कैसे बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस से बढ़ेगी। जब आप रेगुलर रीजनिंग की और मैथ्स की रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। जीके के लिए मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, आप मेरी पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं जीके के लिए, अगर आपको जीके में प्रॉब्लम आ रही है। बुक्स हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी अगर आपके पास है 9th-10th की, आप एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लीजिए। फॉर इससे 10th से आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप 9th-10th का इकोनॉमिक्स है अगर आपके पास, वो थोड़ा पढ़ सकते हैं। आपको हिस्ट्री थोड़ा सा पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आप दो गेस तो करवाएं। एंड नेगेटिव मार्किंग से भी आपको साइड बाई साइड बचना है। जिन क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम में श्योर ना हो वो क्वेश्चन इट्स बेटर टू लीव, बट हाँ जिस क्वेश्चन के लिए आपको लगता है कि 80-90% यही आंसर है तो करके भी आने हैं, मतलब हमें करेक्ट क्वेश्चनिंग करनी है, बट जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारा गलत हो सकता है, हमारे मार्क्स कटा सकता है, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना है। एंड नोट्स का आप लोगों ने पूछा था कि हम नोट्स बनाए या नहीं, मैं तो अभी इस टाइम पे नहीं बोलूँगी, बट यस टीजीटी वाले जो हैं आपके पास इनफ टाइम है। अगर कुछ चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तब आप उनके नोट्स बना सकते हैं। पूरे पूरे चैप्टर के, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स के नोट मत बनाइए, सिर्फ उसी टॉपिक के नोट्स बनाइए जो आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है। एंड कीप राइटिंग, अपने हाथ में हमेशा हाईलाइटर रखिए, जब आप कुछ भी लाइन पढ़ रहे हैं तो उसको हाईलाइट करते जाइए। जब आप हाईलाइट करेंगे और जिस उस टाइम पे जब आप एक्चुअली रिवीजन मोड में आएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप हाईलाइटेड लाइंस ही करेंगे रिवाइज। एंड एक और चीज़, जो चीज़ आपको पहले से ही आती है उसको हाईलाइट करने का कोई भी मतलब नहीं है। अब जैसे मुझे पता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ग्लूकोज है, तो इसको हाईलाइट करने का कोई मतलब नहीं है। हाईलाइट हम उन्हीं लाइंस को करते हैं कि जिसको हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी इंपॉर्टेंट लाइंस, आप वो लाइंस मार्क करिए एनसीईआरटी के अंदर जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अभी पहली बार मिल रही है पढ़ने के बाद, या जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मैं एग्जाम टाइम पे भूल जाऊंगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पूरा। मैथ्स के लिए अपना रजिस्टर बना के रखिए, अलग सेपरेट रजिस्टर बनाइए। सेपरेट रजिस्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है डियर सर से, अगर आप कर रहे हैं, सर आपको लॉन्ग मेथड भी बता रहे हैं उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स भी बता रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क की शॉर्ट ट्रिक्स आप नोट करिए, रेशियो प्रोपोर्शन की शॉर्ट ट्रिक्स नोट करिए, परसेंटेज की आपको शॉर्ट ट्रिक्स नोट करिए। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एंड जो मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी डियर सर के अंदर आ रही है, आप उस जैसे मल्टीप्लीकेशन बाय 99 है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहीं डिवीजन हमें 5 से करना है वो ध्यान रखना है। तो बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है, उनको नोट करते जाइए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपको यूट्यूब वीडियोस देखने का टाइम नहीं मिलेगा। जीके के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्रेजी जीके ट्रिक्स बेस्ट चैनल है, आपको बहुत ट्रिक्स से आपको एक एक कंसेप्ट को लर्न कराया जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो प्रिया जैन मैम का चैनल है, वो आप वो पढ़ सकते हैं, फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन। एनसीईआरटी मंत्रा के अंदर काफ़ी अच्छे कंसेप्ट्स हैं, कुछ आप वहाँ से उठा सकते हैं। तो ये 3-4 चैनल्स जो हैं दे आर वेल एंड गुड। इंग्लिश के लिए मैंने आपको नीतू मैम का चैनल बताया था, और डियर सर के चैनल पे मैथ्स और इंग्लिश की मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है। मैं आपको डियर सर प्रेफर करूँगी क्योंकि वो इस ट्रिक से आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना कि आप एकदम मास्टर बन जाएंगे इंग्लिश के अंदर, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं अच्छे से, आपको गलती नहीं होगी दोबारा। एंड रीजनिंग के लिए आई ऑलवेज टेल यू अबाउट संदीप सर, मेरे यहाँ खुद का एक्सपीरियंस है कि वो बहुत अच्छे कंसेप्ट्स कराते हैं, जो क्वेश्चंस कराते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और साथ में हम जो प्रीवियस ईयर्स के लिए बाबा परेशान होते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स कहाँ से करें, जनरली मेरे पास कमेंट्स यही आते हैं,
तो जब आप करेंगे ना संदीप सर का अध्ययन मंत्रा का चैनल रीजनिंग के लिए, और राहुल सर का आपका हिंदी पढ़ाते हैं, वो भी सारे प्रीवियस ईयर्स करा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर्स की जो टेंशन होगी ना करने की, वो आपकी चली जाएगी। ठीक है, साइंस के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है, तो मैं आपको सब्जेक्ट का साइंस का ही ज़्यादा बेटर बता पाऊँगी। कल मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगी जो कैंडिडेट्स TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेम टुमारो। टू टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।